What's up guys, this is Guru Maan. Well, आपसे एक बहुत important आज शेयर करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है क्या हम फिश के साथ मिल्क ले सकते हैं या मिल्क के साथ फिश ले सकते हैं, क्या हम फिश के बाद दूध पी सकते हैं या पहले पी सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट और फिश ले सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन. बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिथ है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश के अंदर भी है, कि अगर आप मिल्क और फिश को कंबाइन करते हैं तो आपके वाइट स्किन होगी, वाइट स्किन पैचेस बनेंगे, क्या आप बोल सकते हैं स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ या बीमारी आपको लगेगी. बहुत ज़्यादा घरों के अंदर ये मिथ लोग बोलते हैं. गुरु मान आज को आपको इन्फॉर्मेशन देगा. गाइस, पहले मैं आपको बताऊं, आज तक मेडिकली और साइंटिफिकली किसी ने प्रूव नहीं किया कि दूध और फिश इकट्ठा लेने से कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल नहीं. मैं आपको खुद बताता हूं, मैं खुद सैमन फिश के साथ दही का इस्तेमाल करता हूं और मैं खाता हूं, मेरी फैमिली खाती है, ये खुद मेरा खुद का टेस्ट है. बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, इट्स टोटली अ मिथ. अब आप सोचेंगे नहीं, मैंने, मेरा एक रिलेटिव है या मेरा एक फ्रेंड है या मेरा कोई नोन है जिसने मिल्क और फिश को कंबाइन किया है और उसके सारी स्किन जो वाइट हो गई है तो हमने देखा है. लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन गाइस, अगर आपको फिश से एलर्जी है और आपने दूध और फिश कंबाइन किया है, दैट माइट रिएक्ट. अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो जिसको दूध नहीं पचता और आपने उसके साथ फिश कंबाइन की है, दैट माइट बी प्रॉब्लम, राइट. लेकिन अगर आपको एलर्जी नहीं है फिश से, आपको सी फूड से एलर्जी नहीं है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. आई एम टेलिंग यू, देर इज नो सच एविडेंस आउट देयर कि बिल्कुल नहीं, किसी भी कंट्री में आज तक कभी मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया कि फिश और दूध कंबाइन करने से प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल नहीं गाइस. सबसे पहली बात तो ये बताऊं, आप फिश के साथ दूध पिएंगे क्यों, कोई रीजन ही नहीं बनता. फिश जो मील है इज अ हाई प्रोटीन मील, कोई कारण बनता नहीं है कि फिश के साथ आप दूध पियो. यू ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ प्रोटीन इन फिश, सो कोई पॉइंट नहीं बनता उसके साथ दूध पीने का. अगर आपने दूध पीना है और आपको डर है, पहली बात तो डर बहुत ज़्यादा है, फियर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, तो अगर आपको डर है तो 2 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं, जब फिश डाइजेस्ट हो जाए, आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर दे, अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप दूध पी सकते हैं. लेकिन आज तक ऐसी कोई मील नहीं है जिसको बोलो कि आप डिनर किया है फिश और साथ में दूध पी रहे हैं, आप साथ पानी पियेंगे ना. और बाकी लोग पूछते हैं क्या मैं फिश ऑयल सप्लीमेंट दूध के साथ ले सकता हूँ, अगेन पॉइंट नहीं है. आपने फिश ऑयल सप्लीमेंट डिनर में, डिनर के बाद लेना है पानी के साथ. व्हाई वुड यू ड्रिंक मिल्क विद फिश ऑयल, अगेन नो सेंस. क्या मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फिश खाने से हम पहले दूध पी सकते हैं, कोई कारण बनता नहीं है. हाँ, फिश खाने से 2 घंटे पहले आप दूध पी सकते हैं, कोई भी मतलब नहीं है. फिश खाने के 2 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिश के साथ भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अनलेस आपको एलर्जी है फिश से, सी फूड से, या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, मतलब दूध नहीं पचता. ये 2 कारण के साथ शायद रिएक्ट करे, अगेन कोई मेडिकली और साइंटिफिकली आज तक रिपोर्ट नहीं आई, आज टिल डेट ना US में, ना इंग्लैंड में, ना दुनिया की किसी भी और कंट्री में. और ये मिथ सबसे ज़्यादा इंडिया में है, पाकिस्तान में है. गाइस, मैं ऑलमोस्ट हफ्ते के अंदर 2 बार फिश खाता हूँ और हर बार फिश खाता हूँ तो योगर्ट दही का इस्तेमाल करता हूँ और दही दूध से बनता है और वही मेरा उससे मैं सॉस का इस्तेमाल करता हूँ, उसके अंदर अनियन ऐड करता हूँ, क्यूकम्बर ऐड करता हूँ, कैचअप ऐड करता हूँ, मिक्स करने के बाद फिश के ऊपर मैं ऐड करता हूँ. मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगा, आप देख सकते हैं. तो बाय द वे, इट्स टोटली अ मिथ, मैं आपको बता रहा हूँ. बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, ना आज तक ऐसा कोई केस प्रूव हुआ है.
ये आज तक चीजें सुनी है और जिन जिन जिनको हुआ होगा उनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, खास करके एलर्जी फिश सी फूड एलर्जी और लैक्टोज इनटॉलरेंस की। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज टोटली अ मिथ। सो गाइस गो हेड एंड एंजॉय योर फिश एंड डेफिनेटली यू कैन हैव मिल्क फ्यू आवर्स आफ्टर योर फिश, नो प्रॉब्लम। दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट। बाय।